सिलसिलेरोदो शब नक्षुगरे हादुसात सिलसिलेरोदो शब असले हयातो ममात सिलसिलेरोदो शब तारे हरी रो दुरंग जिससे बनाती है जात अपनी कबाए सिफात तेरे शबो रोज की और हकीकत है क्या एक जमाने की रो जिसमें न दिन है न रात आनी ओ फानी तमाम मौजूदा हाय हुनर कारे जहां बेसबात कारे जहां बेसबात अव्वलो आखिर फना बातिनो जाहिर फना नक्शे कोहन हो के नौ मंजिले आखिर फना मर्द खुदा का अमल इश्क से साहब फरो इश्क है असले हयात मौत है उस पर हराम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जिम्मा मौजू था अहद व पैमान की पाबंदी या पासदारी। आप हजरात जानते हैं कि इस्लाम के अज्जाए तरकीबी में मामलात अखलाकियात और रसूम व शायर इबादात शामिल हैं। अगर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो तीन निशानियां बताई हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकत की वो तीनों अलामात जो हैं उनका ताल्लुक अखलाकियात से बताते हैं। और फिर ये इरशाद फरमाते हैं कि ये खराबियां अखलाकी जिस किसी के अंदर मौजूद हों खा वो नमाज पढ़ता हो रोज़ा रखता हो यानी शुआर इबादत को बजा ला रहा हो रसूम इबादत को पूरा कर रहा हो इसके बावजूद भी वो मुनाफिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इबादत शुआर इबादत जो हैं उनका ताल्लुक भी अखलाकियात से बहुत गहरा है। अखलाक से उनको जुदा कर दिया जाए अखलाक को निकाल दिया जाए तो वो शुआर बंदगी और वो रसूम इबादत जो है वो भी बेमानी हो जाती है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई इरशादात में फरमाया मसलन जब आपने सहाबा इकराम से ये पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है और सहाबा इकराम ने याद किया कि या रसूल अल्लाह जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो वो मुफलिस है। आपने फरमाया नहीं हकीकी मुफलिस वो है कि जो कयामत के रोज़ अल्लाह के दरबार में जाएगा। मैं अहादीस के मतन का
तबाह नहीं कर रहा हूँ, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ वक्त की कमी की बिना पर, इस वक्त सिर्फ खुलासा और मफाहिम आपके सामने रखूँगा कि क़यामत के रोज़ जब वो जाएगा अल्लाह के दरबार में, उसके नामे अमाल में नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, हज भी होंगे और सारी इबादात होंगी, लेकिन किसी का उसने हक मारा होगा, किसी को दुख दिया होगा, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी को इज़ा पहुँचाई होगी, उसके नतीजे में यह होगा कि उसकी सारी इबादतें उन जिनके साथ उसकी ज्यादतियाँ होती रही हैं उनमें बांट दी जाती दी जाएंगी और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ताकि हकदारों का हक भी बाकी होगा और उसके नामे अमाल में सारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि उनके गुनाह इसके खाते में डालते जाओ। वो आदमी सबसे बड़ा मुफलिस होगा, उससे बड़ा कलाश कोई नहीं हो सकता। यहाँ भी आप देखते हैं कि इबादात अखलाक की बिना पर, अखलाक न होने की बिना पर बेमानी हो गई और इबादात के होते हुए भी वो आदमी मुफलिस करार पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि एक ऐसी औरत है जो नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, नवाफिल भी अदा करती है, जो रोज़े फ़र्ज के अलावा नफल रोज़े भी रखती है, जो सदकात और खैरात भी देती रहती है, लेकिन उसकी ज़बान के शर से उसके अड़ोस पड़ोस के लोग और जिनके साथ भी उसका ताल्लुक और वास्ता पड़ता है वो महफूज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोज़ख में जाएगी। यहाँ भी आप देखिए कि इबादात जो है उनको जो चीज़ खाए जा रही है वो अखलाक की कमी है। और जब बताया गया कि एक ऐसी औरत भी है कि जो वो इबादात जो शायरे और रसूम इबादात जो मुकर्रर हैं वो ठीक ठीक फ़राइज़ अदा कर रही है, कुछ ज़्यादा नवाफिल अदा नहीं करती है, लेकिन उसकी ज़बान की शेरिनी से दूसरों को लुत्फ मिलता है, लज्जत तो मिलती है, अजियत नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि इन अखलाक के सारे के सारे शोबों और अज्ज़ा का इंसान के ईमान के साथ कितना ताल्लुक है और इंसान की इबादात के साथ कितना ताल्लुक है। इन्हीं अखलाक के बहुत से शोबों में से अहद व पैमान की पासदारी एक इंतहाई अहम शोबा है, एक इंतहाई अहम पहलू है अखलाक का, जिसकी तरफ अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में तीन नाम इसके दिए हैं और तीन नामों से याद करके मोमिनों को तलकीन की है, हुक्म दिया है, ताकीद की है कि वो इसकी पासदारी करें। कहीं इसको मीसाक कहा गया और पहली कौमों बनी इसराइल वगैरह के बारे में कहा गया कि उन्होंने मीसाक तोड़े, कहीं इसको उकूद कहा गया, ये अहद व पैमान जो है ये उकूद हैं और उनके बारे में कहा गया कि औफ़ बिल उकूद, ये उकूद जो है इनको पूरा करो।
ताकि वो इबादत करें और उसी को अपना रब माने। उसके बाद एक मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसका एक शौरी अहद हो जाता है अल्लाह ताला के साथ, और वो अहद यह है कि ए अल्लाह, ये कलमा पढ़ने के बाद मैंने तुझे अपना इलाह, अपना माबूद, अपना खालिक, अपना मालिक और अपना हाकिम मान लिया है। आज के बाद मुझ पर हाकमियत होगी तो तेरी होगी, मुझ पर मेरा यानी शौरी एतराफ रबूबियत का होगा तो तेरे बारे में होगा। इलाह अगर कोई मेरा ठहरेगा तो आज के बाद तू ही है, क्योंकि मैंने तुझे इलाह मान लिया, मैंने तुझे रब मान लिया। ये शौरी एतराफ है, इकरार है जिसका वो खुलेआम ऐलान करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे के सारे लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमने ये एतराफ किया हुआ है, हमने ये इकरार किया हुआ है अपने मुसलमान होने का, ये अहद किया हुआ है। अब इसका दायरा देखिए कि हमारी अमली ज़िंदगी में शुरू हो जाता है कि हम अल्लाह ताला को किस किस मकाम पर सोसाइटी के साथ एक अक्द होता है, एक गोया अहद होता है, और मुसलमान की हैसियत से हमारा ये अक्द और ये अहद है कि हम इस सोसाइटी के अंदर अपना ताबीरी रोल अदा करेंगे। इस सोसाइटी के अंदर हमारा रवैया और हमारे तमाम के तमाम रुझानात और हमारे तमाम के तमाम आमाल ऐसे होंगे कि खुदा के दीन की अकदार का तारफ भी हो और उनका तसल्लत और उनका गलबा भी। हमारा रवैया गोया इस अमर का तारुफ है कि खुदा का दीन क्या है। हम मुसलमान की हैसियत से जब सोसाइटी और माशरे में जाते हैं तो हमारी मुसलमानियत इस अमर का इश्तिहार होता है कि ये वो मुसलमानियत है जिसको अल्लाह ताला ने नाजल किया और अल्लाह तकाजा कर रहा है कि सारे के सारे लोग इस तरह के मुस्लिम हों। गोया एक अहद हमारा अल्लाह के साथ कि ऐ अल्लाह, हम तेरे दीन पर अमल करके अपने आप को सच्चा मुस्लिम बनाकर तो तेरे इस ज़मीन पर, तेरी ज़मीन पर बंदों के सामने इस तरह जाएंगे कि बंदों के साथ
یہ ہے کہ ہم اس عہد و پیمان کی بھی پاسداری کریں۔ جب ہم نے شعوری طور پر ایک معاہدہ کر دیا، ایک ایگریمنٹ پر سائن کر دیے، تو پھر وہاں بھی ہمارا اخلاقی تقاضا بن جاتا ہے کہ ہم اس ان شرائط پر پورے اتریں، کیونکہ ایک مسلمان کبھی بد عہد نہیں ہو سکتا۔ اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ تو نے دستخط کیے تھے اس ایگریمنٹ پر لیکن تو نے ساری کی ساری شرائط پوری نہیں کی، تو نے ایگریمنٹ کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ ایک مسلمان زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ پر اس عہد و پیمان کو دہراتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے ہمارے اسلاف، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر اس عہد و پیمان کے تقاضے اس انداز میں بھی پورے کیے گئے کہ جو موجودہ دور کے اندر انسان تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کی جان جا رہی ہے اور اس کو جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن عہد ایک خاموش ایگریمنٹ تھا باپ کے مرنے کے بعد کہ اس کے معاملات کی نگہداری میں ہی کروں گا اور میں اس کے معاملات کا نگہدار ہوں، کچھ دولت کچھ روپیہ پیسہ ایسا ہے جو میں نے اس کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جو اسی کا ہے، اس کا حصہ ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں وہ اس کو ادا کراؤں اور کسی کو اس کی سرپرستی سونپاؤں۔ امیر المومنین اس زمانے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ پولیس ساتھ گئی اور جیل کے اندر رکھا، آپ صحابہ اکرام کے دور کی بہت سے معاملات دیکھیے، وہ مشہور زنا کا کیس، ایک عورت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے لیے جب تک بچہ اس کا کھانا نہیں کھانے کے لیے کھانا شروع کر دیتا اس وقت تک اس کو رعایت دے دیتے ہیں، نہ وہ سرحدیں توڑ کر بھاگ جاتی ہے، نہ وہ چھپ جاتی ہے، نہ وہ کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے کہ سزا سے بچ جائے۔ چنانچہ اس نوجوان کے بارے میں بھی تصور تو عام یہی تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس تقاضے کو پورا کیا، عدل کے تقاضے کو، کہ اے نوجوان تو جا تو رہا ہے لیکن کوئی یہاں اس مجمع میں سے کوئی تیری ضمانت دے گا کہ تو واپس
शरायत नामा पर दस्तखत हो चुके थे, इतने में हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह वो इस आलम में आए कि पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और बुरी हालत, कैद खाने से भाग कर आगे। उनकी हालत देखकर सारे सहाबा इकराम तड़प उठे और कहा कि या रसूलल्लाह, अबू जंदल को मुशरकों के सुपुर्द न कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमने एक अहद कर दिया है, एक पैमान बांध दिया है, इसके बाद हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से ये टूटेगा। अबू जंदल तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कोई आसानी पैदा करेगा, तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस अहद को तोड़ने का, ये हमारी तरफ से नहीं टूटेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर देखिए कि जहाँ भी एक कमिटमेंट का मामला आता है, एक अहद का मामला आता है, एक उसका मिसाक और अक़द का मामला आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि खुद इतनी ज़बरदस्त सख्ती से ऊपर उस पर अमल किया, बल्कि सहाबा इकराम के अंदर भी ये रूह इस तरह रच बस गई थी कि कोई सहाबी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उस अहद को तोड़े, ख्वाह वो अहद ईमान था, ख्वाह वो अहद अखलाक था। देखिए, एक मैंने अभी मिसाल दी अपने यानी स्पॉन्सर की, एम्प्लायर और एम्प्लाई की, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का गालिबन वाकया है कि मज़ाफ़ात मदीना में जाते हैं, एक रवायत है कि हज के लिए जा रहे थे, सफ़र हज के दौरान में ये वाकया पेश आया कि एक बद्दू चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। अब वो उसका इम्तहान लेने के लिए कहते हैं कि ये एक बकरी जो है ये तुम मेरे हाथ बेच दो। उसने कहा मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मुलाजम हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तू एक बकरी बेच दे तो कौन सा तेरे मालिक को पता होगा, उसको कौन सा पता चलेगा, तू अगर ये कह दे कि भेड़िया खा गया, किसी दरिंदे ने चीर फाड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मालिक को नहीं पता तो उसके मालिक को तो पता है, वो जो सबका मालिक है उसको तो पता है। गोया उसके शऊर ने, उसके एहसास ने जो एग्रीमेंट उस रब्बे ज़ुल जलाल के साथ बांधा हुआ था, उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए उसको कोई लालच आमादा ना कर सकी, कोई तरगीब आमादा ना कर सकी। इस तरह की मिसालें यानी सहाबा इकराम के अंदर तो मैंने अर्ज़ किया कि ये करदार खुद उस मदरसा नबुवत से उनके अंदर रचाया और बसाया गया था। आम मुसलमानों की हालत देखी कि जिन्होंने स्टेट के साथ एक खामोश अहद बांधा था, हम अपनी अपनी स्टेट के भी यानी गोया एक हमारी कमिटमेंट है स्टेट के साथ कि हमारा वहाँ भी तामीरी ही रोल होगा, तकरीबी रोल नहीं होगा। कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु सुन रहे हैं, माँ कहती है बेटी से कि बेटी दूध में पानी मिला दो, ज़्यादा हो जाएगा दूध और ज़्यादा दाम आएंगे। बेटी कहती है कि अम्मा क्या आपने सुना नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने बहुत सख्त सज़ा का ऐलान किया हुआ है, अगरचे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से तो ये मना है ही है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने तो इसके लिए सज़ा का भी ऐलान किया हुआ है। तो माँ कहती है कि कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं। बेटी कहती है कि अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो उनका रब तो देख रहा है। यानी ये सारी की सारी कैफियत और ये सारे के सारे जो रवैये हैं तामीरी और मुस्बत, ये उस अहद की पासदारी का गोया एक इतना उम्दा सबूत फराहम करते हैं कि हर हर अमल से उस अहद की पासदारी होती है कि मैं उस अहद को नहीं तोड़ूंगी या नहीं तोड़ूंगा। ये वो किरदार है जो आम मुसलमानों के अंदर भर गया था। फिर इसी तरीके से हमारी सारी की सारी तारीख इस्लाम के अंदर मुसलमानों की तरफ से आप देखिए कि तारीख इस्लाम में कैसे कैसे मरहले आए। मुसलमानों ने अपने मुसलमान होने का सबूत फराहम करने के लिए अपने अहद व पैमान की पासदारी को सबसे बड़े सबूत के तौर पर मुसलमानियत के और अपने किरदार के और अपने यानी सीरत के बेहतरीन सबूत के तौर पर पेश किया। तो हजरात, मैं आपके सामने जो गुजारिशात मैंने रखी हैं,
इनकी गायत यही है। मैंने पहले आपके सामने अर्ज कर दिया था कि मैंने यहाँ आने से पहले इन भाइयों से बता दिया था कि मैं अपने मौजू पर सोच तक भी नहीं सका, लेकिन जो मैंने आपके सामने जो कुछ अर्ज़ किया है इसकी गर्ज़ो गायत सिर्फ यह है कि हम एक एहसास अंदर से फूटे। वो एक बात से भी फूट सकता है, एक हदीस से भी फूट सकता है, एक दरस कुरान से भी फूट सकता है, कोई भी चीज़ हम सुने तो उससे वो एहसास फूट सकता है। और वो एहसास ये हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि ये अहद की पासदारी, अहद व पैमान का ख्याल रखना, ये अखलाक के उन आला औसाफ में से है कि जिन औसाफ को अगर नफी कर दिया जाए इंसान के किरदार से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद की रोशनी में फरमाया जिसमें कि जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं है वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, या सारे के सारे शायर इबादत बजा लाता हो, वो मुनाफिक है। उसकी मुनाफिकत की पर अल्लाह के नबी ने गोया मोहर लगा दी। अल्लाह ताला हमें इस मुनाफिकत से बचाए कि हम नमाजें पढ़ रहे हूँ, हम रोज़े रख रहे हूँ और ये समझ रहे हूँ कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम जब हमारे पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करें, जब वादा की कर बैठे तो उस वादे को तोड़ते रहें। तो कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश तभी होगी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि हमारे अहद व पैमान कहाँ कहाँ हैं। हमारे यहाँ बड़ी एक गलत फहमी या गलती ये पाई जाती है कि अहद व पैमान का मफहूम हमने सिर्फ वही रखा हुआ है कि मैं किसी से कह देता हूँ कि तुम कितने बजे पहुँचोगे, वो कहता है मैं इतने बजे पहुँचूँगा, मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ दूँगा, वो कह नहीं देता। यही नहीं बल्कि पूरी की पूरी ज़िंदगी एक अहद व पैमान है, पूरी की पूरी ज़िंदगी एक कमिटमेंट है, एक एग्रीमेंट है। कहीं ये कमिटमेंट अपने रब के साथ है, कहीं ये समाज और सोसाइटी के साथ है, कहीं ये स्टेट के साथ है, कहीं ये बीवी मियाँ के साथ है, कहीं ये औलाद के साथ है, कहीं ये उन इदारों और कंपनियों के साथ है जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन जज़ाकअल्लाह।